लिखिए पहले कौन सी विधि है, 10+1 विधि, एस्को का सांद्रण, हेडिंग डालिए एस्को का सांद्रण, ऐसे तो कल ही बता दिए थे एस्को का सांद्रण, लिखा तो कल ही दिए थे कि अयस्क में पाए जाने वाली भौतिकी अशुद्धियाँ, अयस्क में पाए जाने वाली भौतिकी अशुद्धियाँ जैसे बालू, मिट्टी, कंकड़, पत्थर इत्यादि, इन सब को दूर करने की प्रक्रिया को अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। अयस्कों के सांद्रण के लिए निम्नलिखित विधि है, फटक कर, ओस कर, छान कर, ये सब सभ्य ऐसे जो केमिस्ट्री में चलता है वो पहला लिखिए, फेन प्लवन विधि। कोई एब्सेंट भी है कि कोई गायब है? फेन प्लवन विधि। फिन प्लवन विधि इसमें बोल कर लिखा देंगे, पहले फिगर से समझा देते हैं। फिन प्लवन विधि में क्या होता है, देखो बीकर है, इस तरह से बीकर है, और मान लेते हैं फिर से देख लेना कहीं ऐसा नहीं कि ब्लर है, धुंधला नहीं है, ठीक है। इसमें पानी है, इस बीकर में पानी रहता है, और पानी के साथ साथ मान लेते हैं कि सर्फ भी घोल दें जो फेन करे, और उसके साथ साथ इसमें तारपीन का तेल, अरे कोई भी तेल दे दो ना, तारपीन का तेल किताब में लिखल रहता है, तारपीन का तेल आप कोई भी तेल दीजिए ना भाई, तेल का काम सिर्फ यही है ना कि जो सल्फाइड अयस्क है वो पानी से भींगेगा नहीं, लेकिन तेल उसको सब तरफ से घेर लेगा और कहो कि फंसा लेगा, जैसे कि ये ओर्स है तो इसमें इधर से तेल के जो मॉलिक्यूल्स है इसको चारों दने से घेर लेता है, और कहो कि तेल के मॉलिक्यूल्स में ट्रैप हो जाता है, ट्रैप मतलब ये फंस गया एक तरह से, हम निकल नहीं सकता है। तो जो अयस्क है खास करके ये जो इस्तेमाल होता है वो कौन से अयस्क के, फेन प्लवन विधि खास करके ही इस्तेमाल होता है किस पर, सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए। फेन प्लवन विधि है ये किसके लिए, सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए। सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए कौन सा विधि है सांद्रण का, तो फेन प्लवन विधि किस तरह के अयस्क का सांद्रण करेगा, सल्फाइड अयस्क। फेन प्लवन विधि कौन से तरह के अयस्क का सांद्रण करेगा, सल्फाइड अयस्क। फेन प्लवन विधि किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रण करता है, सल्फाइड अयस्क। फेन प्लवन विधि जो है वो किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रण करता है, तो सल्फाइड, मतलब रट लेना है कि हाँ भाई फेन प्लवन विधि जो है वो किस प्रकार के अयस्कों के सांद्रण के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए कौन से विधि है, फेन प्लवन विधि सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए, फेन प्लवन विधि के द्वारा किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रण होता है, सल्फाइड अयस्क। 8-10 बार रिपीट करोगे याद हो जाएगा, ऐसे चाहे वैसे। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि से किया जाता है, तो फेन प्लवन विधि से। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि से किया जाता है, फेन प्लवन विधि से। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन प्लवन विधि से, या उल्टा कि फेन प्लवन विधि के द्वारा किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण किया जाता है, फेन प्लवन विधि के द्वारा किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण किया जाता है, सल्फाइड अयस्क। फेन प्लवन विधि अयस्कों के सांद्रण का एक मेथड है जिसके द्वारा किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण किया जाता है, सल्फाइड अयस्क। चलिए इतना तो समझ में आ गया कि सल्फाइड अयस्क काहे, क्योंकि सल्फाइड अयस्क जो है वो पानी में भींगता
नहीं है, पानी से भींगता नहीं, सल्फाइड अयस्क पानी से भींगता नहीं, सल्फाइड अयस्क पानी से नहीं भींगता, लेकिन तेल से भींग जाता है, तेल से भींग जाता है, तेल उसको चारों तरफ से घेर लेगा। इसका मतलब है कि अब सल्फाइड अयस्क पानी से नहीं भींगेगा, क्यों? क्योंकि तेल के मॉलिक्यूल्स उसको चारों तरफ से घेर लिया, तो ये अयस्क पानी के अंदर नहीं डूबेगा और तेल में फंस जाएगा। साथ ही साथ फेन किसी तरह से हम कर देते हैं, फेन किसी भी तरह से फेन कर दीजिए, फेन शैम्पू सरफ जो घोलना है, मतलब फेन अगर उत्पन्न कर सकते हो तो, अगर फेन उत्पन्न कर दिए तो फेन जब ऊपर जाएगा तो सिर्फ फेन के साथ साथ पानी के मॉलिक्यूल्स तो नहीं जाएगा, लेकिन फेन के साथ साथ उसमें जो ये जो अयस्क है जो तेल के मॉलिक्यूल्स में फंस गया है वो भी फेन के साथ साथ ऊपर चल जाता है, और गंदगी जो है वो पानी से भींग भींग कर नीचे बैठ जाता है, गंदगी पानी से भींग भींग कर नीचे बैठ जाता है। ये गंदगी जो है कह सकते हैं कि जो गंदगी है, गंदगी गंदगी मतलब आप कहिए ना कि अशुद्धियाँ, वो भी कैसन का अशुद्धियाँ, भौतिकीय धूल गर्दा अशुद्धियाँ, हाँ गैंग्स हिंदी में इंग्लिश में दोनों में ही इसको बोलते हैं गैंग्स, गैंग्स नीचे बैठ जाता है और बाकी जो अयस्क है ऊपर चल जाता है। अगर ऊपर नहीं आए तो उसके लिए एक प्रोसेस है कि नीचे पहले पाइप डाल दीजिए, ठीक है, पाइप डाल कर और यहाँ से आप अगर नहीं, जैसे फेन ऊपर नहीं आ रहा है अपने से नहीं आ रहा है, तो पाइप डाल कर और यहाँ से एयर ब्लो कर देंगे, एयर ब्लो मतलब हवा फूकेंगे, अगर हवा फूकेंगे ना यहाँ से तो हवा बुलबुला के तरह से ऐसे निकलेगा, ठीक है, अब बुलबुला के साथ साथ ऊपर फेन निकलेगा, अब फेन में फेन के साथ साथ कौन आता है, अयस्क, फेन के साथ साथ ये फेन के साथ साथ फेन और प्लस बोलो कि अयस्क, फेन प्लस अयस्क, और अशुद्धियाँ कहाँ बैठल है, यही है फेन प्लवन विधि, लेकिन ये तो फिगर के हिसाब से, बाकी समझेंगे कैसे, बाद में इन अशुद्धियों को यहाँ से अपना छान सकते हैं, हम चाहें तो यहाँ से अशुद्धियों को बाहर निकाल लेंगे, हम चाहें तो यहाँ से गैंग को बाहर निकाल लेंगे, गैंग बाहर हो गया और अयस्क ऊपर से अपना निकल जाएगा फेन के साथ बह के। लिखो होता क्या है फेन प्लवन विधि, ये तो खाली डायग्राम से समझाएं, लिखना पड़ेगा। लिखेंगे फेन प्लवन विधि, फेन प्लवन विधि, फेन प्लवन विधि, टोपिया खोल देते रसमत का ढीले रहता है ऐसी, ठीक है, फेन प्लवन विधि एरा से मथवा भारी भारी लगता, फेन प्लवन विधि सल्फाइड अयस्क, 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 अब एक ही चीज़ बार पाँच छः बार इसलिए बोलते हैं जब मैं याद हो जाए जे पर, फेन प्लवन विधि सल्फाइड अयस्क, फेन प्लवन विधि सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए, सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए फेन प्लवन विधि सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए उपयुक्त है, उपयुक्त है या अच्छा है जो भी बोलो, फेन प्लवन विधि सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए उपयुक्त है, उपयुक्त है इंग्लिश में बोलेंगे सुटेबल है, हिंदी में भले समझ में आ रहा होगा, सुटेबल मतलब फेन प्लवन विधि इसी के लिए अच्छे है, किसके लिए, सल्फाइड अयस्क के लिए, फेन प्लवन विधि सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए उपयुक्त है, क्योंकि 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 सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क क्योंकि सल्फाइड अयस्क, क्योंकि सल्फाइड अयस्क पानी में, पानी में आसानी से भीगते नहीं हैं या गीला नहीं होता, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि सल्फाइड अयस्क पानी में आसानी से भीगते नहीं हैं या आसानी से पानी में गीला नहीं होता है, क्योंकि सल्फाइड अयस्क पानी में आसानी से भीगते नहीं हैं,
या कहो कि पानी में, वही ठीक है, पानी में आसानी से भीगते नहीं है, लेकिन 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 सल्फाइड अयस्क 13 से 13 13 से तुरंत गीले हो जाते हैं, 13 से तुरंत गीले हो जाते हैं, जबकि 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 अशुद्धियाँ या गैंग कहो, अशुद्धियाँ या गैंग जबकि अशुद्धियाँ या गैंग अशुद्धियाँ या गैंग पानी से तुरंत गीले होकर पानी से तुरंत गीले होकर नीचे बैठ जाते हैं पानी से तुरंत गीले होकर नीचे बैठ जाते हैं पानी से तुरंत गीले होकर नीचे बैठ जाते हैं पानी से तुरंत गीले होकर नीचे बैठ जाते हैं पानी से तुरंत गीले होकर नीचे बैठ जाते हैं पानी से तुरंत गीले होकर नीचे बैठ जाते हैं पानी से तुरंत गीले होकर नीचे बैठ जाते हैं का कहाँ है को गिरा पानी कहीं गिरले होते हैं खैर नीचे कौन बैठ गया अशुद्धियाँ गैंग नीचे इसलिए बैठ गया ना क्योंकि वो पानी से आसानी से भींग जाता है तो गैंग पानी में आसानी से घुल गया पानी से भींग गया इसलिए वो नीचे बैठ जाता है जबकि जो सल्फाइड है इसका वो पानी से नहीं भींगता लेकिन तेल से भींग जाता है और तारपीन कहते तो तारपीन कहते थोड़ा सा स्पेशल है कहाँ से लाएंगे भाई तो ये नॉर्मली मिलता उलता नहीं है ये देवदार जो होता है ना देवदार के छाल से प्राप्त होता है देवदार के छाल से अब इसके ऊपर अगर जानना है तो गूगल वूगल का सर्च कर लीजिएगा ठीक है ये कहाँ से मिलेगा जो ऐसे आप नॉर्मली किसी भी तेल का उपयोग कीजिए तो तेल का वही काम है जो इसका काम है ठीक है तेल का वही काम है जो इसका काम है जैसे मान लो पेंट की बात करें पेंट अपने समझे चीज़ है कि पेंट पेंट में अगर कोई कहे कि हम पानी डाल देंगे तो बोलो पेंट में पानी आसानी से घुलेगा या तेल आसानी से घुलेगा वो अपने समझना पेंट में आसानी से कौन घुलेगा तेल घुलेगा तो कोई भी तेल पेंट में घुल सकता है नॉर्मली जो घुलने लायक रहेगा वो घुल जाएगा जो घुलने लायक रहेगा लेकिन जब भी घुलेगा उसमें क्या घुलेगा तेल ही घुलेगा जबकि दूध की बात करो हम दूध लेते हैं और दूध में चाहें कि तेल घोलें तो तेल नहीं घोलेगा क्या घोलेगा अभी क्या है सर तो ये 12th में पढ़ना है लायोफोबिक सोल और लायोफिलिक सोल जैसे जो पानी में घोल जाता है उसको बोलते हैं लायोफिलिक सोल्यूशन जैसे दूध जो है ये लायोफिलिक सोल है और जो पानी में नहीं घुलता है वो लायोफोबिक सोल है तो लायोफोबिक लायोफिलिक वो सब बात की बात है यहाँ पर सल्फाइड अयस्क जो है वो पानी में नहीं घुलता है लेकिन तेल के साथ आसानी से घुल मिल जाता है तो सल्फाइड अयस्क तेल के साथ आसानी से घुल मिल जाए तारपीने तेल लिखो भाई तेल नहीं लिखना है खाली तो इसलिए हम तारपीन के तेल का इस्तेमाल करते हैं और फैन तो इसलिए इस्तेमाल करते हैं ना जिससे कि हम उधर से अगर एयर ब्लो करें या अगर हम उधर से हवा फूकें तो फैन ऊपर जाए अब फैन जब ऊपर जाएगा तो फैन के साथ साथ उसके ऊपर अयस्क भी होगा सल्फाइड अयस्क या अयस्क के कण बाद में हम इसको अलग कर लेंगे और सूखा उखा के फटक उटक के ओस ओस के हम निकाल लेंगे किसको तो कह सकते हैं कि यहाँ से प्राप्त होगा फेन आ प्लस में और वो अयस्क को ऐसन वैसन अयस्क नहीं बोलेंगे अब जो निकलेगा उसको हम लोग कहेंगे किस प्रकार का अयस्क सांद्रित अयस्क तो फिर से पूरा के पूरा लाइन रिपीट कर देते हैं स्टार्टिंग में
फेन प्लवन विधि किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए। क्यों इस्तेमाल किया जाता है? तो सल्फाइड अयस्क पानी से तुरंत नहीं भीगता है, जबकि तेल से तुरंत भीग जाता है। जबकि इसका उल्टा गंदगी जो है ना, वो तेल से नहीं भीगता है, लेकिन पानी से तुरंत, धूल गर्दा जो है वो पानी से भीग जाता है, पानी से भीग जाएगा। अरे जैसे धूल गंदगी साफ करने के लिए हम लोग मुंह पे क्या मारते हैं, तेल या पानी? तेल मारेंगे तो और चिपक जाएगा, छूटेगा नहीं। वो पानी है जो धूल गर्दा को पकड़ के खींच के निकालता है। तो धूल गर्दा अगर छाटना है, उससे अलग करना, क्योंकि आप पाउडर बने ले हैं, तो पानी उसको अलग कर देगा, तो पानी में वो चिपक के अलग हो जाता है। बाकी जो सल्फाइड अयस्क है वो पानी में भींगेगा, लेकिन देर से, उससे पहले वो भींग जाता है किससे, तेल के कण से, और तेल के कण से भीग कर सल्फाइड अयस्क ऊपर हो गया फेन के साथ साथ, जबकि धूल गंदगी पानी से भीग कर नीचे बैठ जाता है। अब होता क्या है, नीचे लिख लो पैराग्राफ चेंज करके, लास्ट लाइन क्या लिखे हैं कि अशुद्धियाँ या गैंग पानी के कण से तुरंत गीले होकर नीचे बैठ जाते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे, इस विधि में, पैराग्राफ चेंज कर बोले तो एक लाइन छोड़ दो, इस विधि में सल्फाइड अयस्क को सल्फाइड अयस्क को महीन पीस कर पाउडर बना लिया जाता है। और सल्फाइड अयस्क के पाउडर को पानी से भरे टैंक में डाल दिया जाता है। सल्फाइड अयस्क के पाउडर को पानी से भरे टैंक में डाल दिया जाता है, और साथ ही साथ उसमें तारपीन का तेल भी मिलाया जाता है। सल्फाइड अयस्क के कण, फुल स्टॉप दे के लिखिएगा, सल्फाइड अयस्क के कण तेल से गीले हो जाते हैं, और अशुद्धियाँ पानी से गीला हो जाता है। सल्फाइड अयस्क के कण तेल से गीले हो जाते हैं और अशुद्धियाँ पानी से गीला हो जाता है। सल्फाइड अयस्क के कण तेल से गीले हो जाते हैं और अशुद्धियाँ पानी से गीला हो जाता है। फुल स्टॉप देखिए, पानी में हवा के झोंके के द्वारा वो हवा के झोंके आप किसी भी तरह से दीजिए, पाइप से फूंक कर या किसी भी तरह से, पानी में हवा के झोंके के द्वारा जब फेन ऊपर आता है, तो उस फेन के साथ साथ शुद्ध अयस्क भी ऊपर आ जाता है।
जबकि अशुद्धियाँ यानी गैंग नीचे बैठ जाती है, जबकि अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती है, अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती है, अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती है, अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती है। फेन को हटाकर सुखाकर उससे अयस्क प्राप्त कर लिया जाता है या अयस्क को बाहर निकाल लिया जाता है। फेन को हटाकर सुखाकर उससे अयस्क को बाहर निकाल लिया जाता है। हो गया, वर्ड टू वर्ड यही हम बोलेंगे, ये तो हम भी नहीं कह सकते, हम आपको समझा दिए हैं। अब एक एक लाइन आपको एकदम पूरा एक एक शब्द याद रहे, एक कोई गारंटी नहीं लेते हैं, खुद हम ही को नहीं याद है। हम सिर्फ समझा दिए कि हुआ क्या क्या। जैसे सबसे पहला मेथड कि फेन प्लावन विधि किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण करता है, सल्फाइड अयस्क, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि आखिर सल्फाइड अयस्क का सांद्रण क्यों करता है। तो इसमें खास बात है कि इस विधि में हम तेल मिलाते हैं, फेन भी पैदा करते हैं और पानी भी डालते हैं, और फेन पैदा करते हैं मतलब पानी होगा ही होगा। तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण ही क्यों करता है, क्योंकि सल्फाइड अयस्क पानी से भींगता नहीं, जबकि यही सल्फाइड अयस्क तेल से भींग जाता है। हाँ, तो सल्फाइड अयस्क तेल से भींगेगा और तेल खुद जो है ना तेल से भींगा, और तेल खुद पानी के नीचे नहीं जाता। पानी में अगर तेल घोलेंगे ना, यहाँ तक कि हम सुई लेके बड़का को पिचकारी लेके एकदम बड़का को पिचकारी लेके पनिया के अंदर तेला मार देंगे ना, एकदम पूरा अंदर कस के एकदम अंदर अगर चल भी गया ना, तो भी वो तेल कहाँ आ जाएगा ऊपर। तेल खुद नीचे नहीं बैठता, तेल खुद नहीं बैठता, तेल पकड़ लिया किसको, सल्फाइड अयस्क को। तो जाहिर से बात है कि अगर सल्फाइड अयस्क फंस गया है किसके बीच में, तेल के मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो जब तेल के मॉलिक्यूल्स ही नीचे नहीं जा रहा है तो फिर सल्फाइड अयस्क नीचे कहाँ से जाएगा, सल्फाइड अयस्क भी नीचे नहीं जाता है। तो सल्फाइड अयस्क तेल के कण से भींग जाता, पानी के कण से जल्दी नहीं भींगता, जबकि अशुद्धियाँ पानी के कण से जल्दी भींग कर नीचे बैठ जाती। तो अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती है पानी से भींग कर, जबकि सल्फाइड अयस्क पानी से भींगता नहीं है और तेल के साथ मिलकर वह ऊपर ही तैरते रहता है। जब हम इसमें एयर ब्लो करके या किसी भी तरह से झाग पैदा करते हैं, फेन पैदा करते हैं और हवा के झोंके भेजते हैं, तो हवा के झोंकों से ये फेन ऊपर आता है और फेन के साथ साथ सल्फाइड अयस्क भी ऊपर आ जाता है। बाद में हम इसको यहाँ से निकाल लेते हैं, बाद में इसको यहाँ से निकाल लेंगे और सुखा उखा के यहाँ से सल्फाइड अयस्क हटा लेंगे। अब रहा बात ही समझाएं, लेकिन लिखना संभल के है, जैसे लिखोगे क्या तो लिखना संभल के बोलो, क्या लिखे हो, क्या लिखे बोलो। हाँ, क्योंकि सल्फाइड अयस्क पानी में आसानी से भींगते हैं। सल्फाइड अयस्क नहीं भींगते हैं, हाँ, लेकिन सल्फाइड अयस्क तेल से तुरंत गीले हो जाते हैं। हाँ, सल्फाइड अयस्क को महीन पीस कर पाउडर बना लिया जाता है और सल्फाइड अयस्क के पाउडर को पानी से भरे टैंक में डाल दिया जाता है और साथ ही साथ उसमें टार्पिन का तेल भी मिलाया जाता है। सल्फाइड अयस्क के कंटेंट से गीले हो जाते हैं और अशुद्धियाँ पानी में गीला हो जाते हैं। पानी में हवा के झोंके के द्वारा जब फेन ऊपर आता है तो उस फेन के साथ साथ शुद्ध अयस्क भी ऊपर आ जाता है, जबकि अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती है। झाग को हटाकर सुखाकर उससे अयस्क को बाहर निकाल दिया जाता है। हम समझा दिए हैं, अब इसको कैसे लिखोगे वो लिखने के लिए भी बता दिए। बोलो जय राजकुमार, क्या है इस विधि में, क्या किया जाता है, इसे एक बार हम फिर से समझा देते हैं। एक एक लाइन अगर याद रखेंगे ना, मतलब पूरा वर्ड टू वर्ड नहीं कर रहे हैं। जैसे पहला बात याद रखना है कि फेन प्लवन विधि इस्तेमाल किसके लिए होता है, किस पर का याद हो गया। दूसरा बात है कि अच्छा सल्फाइड अयस्क के लिए कहाँ इस्तेमाल होता है, तो सल्फाइड अयस्क के लिए इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि इस विधि में हम तेल पानी फेन तीनों का इस्तेमाल करते हैं और सल्फाइड अयस्क पानी से नहीं भींगता है,
तेल से भींगता है और तेल से भींग कर पानी के ऊपर तैरते रहता है, क्योंकि तेल ही नहीं डूबेगा तो फिर सल्फाइड एस्क भी कहाँ से डूबेगा, नहीं डूबेगा। तेल के कण से भीग कर पानी के ऊपर तैरते रहता है, जबकि अशुद्धियाँ पानी के कण से भीग कर नीचे बैठ जाती है। इस प्रकार गंदगी नीचे बैठ गया और सल्फाइड एस्क ऊपर हो गया, इसीलिए हम लोग इसके सल्फाइड एस्क के सांद्रण के लिए फेन प्लवन विधि का उपयोग करते हैं। फिर से फेन प्लवन विधि का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि सल्फाइड एस्क तेल से भींग कर पानी के ऊपर तैरते रहता है, जबकि गंदगी या अशुद्धियाँ या गैंग पानी से भीग कर नीचे बैठ जाती है। इस प्रकार गंदगी नीचे बैठ जाता है और सल्फाइड एस्क ऊपर हो जाता है, इसीलिए फेन प्लवन विधि का ही इस्तेमाल किया जाता है। किसके सांद्रण के लिए? सल्फाइड एस्क के सांद्रण। अब है कि होता कैसे, तो वही सब बतिया घुमा फिरा के लिखल है कि एक पानी से भरा हुआ बीकर लेंगे और उस पानी से भरे बीकर में हम सल्फाइड एस्क के पाउडर को डालेंगे, पीस कर डालेंगे, सल्फाइड एस्क के पाउडर को डालेंगे और साथ ही साथ उसमें तारपीन का तेल मिला देते हैं, तारपीन का तेल मिला देते हैं, जिससे कि सल्फाइड एस्क का जो पाउडर है या सल्फाइड एस्क के जो कण है वो तारपीन के तेल से भींग जाता है, जबकि अशुद्धि या पानी के कण से भींग कर नीचे बैठ जाता है। और जब हम इसमें हवा के झोंके भेजते हैं तो हवा के झोंके से ये फेन ऊपर की तरफ जाता है और फेन के साथ साथ सल्फाइड एस्क भी ऊपर चला जाता है। बाद में हम इस सल्फाइड एस्क को यहाँ से हटा कर सुखा लेते हैं, जिससे हमको शुद्ध अयस्क प्राप्त हो जाता है। शुद्ध अयस्क प्राप्त हुआ है, धातु नहीं बोल रहे हैं अभी, अयस्क। इसमें गैंग कहाँ आ गया? नीचे। चलो बैठो, हम ही बोल दिए, काहे बोलेगा, बैठो बैठो बैठो, खड़ा किए थे कि बोलेगा, फिर लगा हम ही बोल दिए। ये उतार लेना, या किताब उताब में होगा किताब से उतार लीजिएगा, अभी मत कहना कि किताब हम तो है ही है, जैसे यूट्यूब पे कितना होता है ना कि पीडीएफ दे देंगे, तो पीडीएफ ले जाके वहाँ चिपका दीजिएगा फाड़ के, अजीब है यार, तुमको बनाना तो अपने ही पड़ेगा ना, एग्ज़ाम के पैटर्न तो अभी वही है जे आज से हमनी के ज़माना में था 2006 में 7 में, अभी भी वैसे ही एग्ज़ाम लेता है, तो तुमको किताब से देख के बनाना या फिर यहीं से बना लो। अब जो यूट्यूब वाला होगा अपना वीडियो रोक के बनाएगा, तुम लोग आगे बढ़ो। अगला क्या है? गुरुत्व पृथककरण लिखो, ग्रेविटी सेपरेशन, गुरुत्व पृथककरण। हम बोले थे कि हिंदी लिख देंगे जब स्पेशल करके बताएंगे, तो लिख देते हैं। इस विधि का नाम फेन प्लवन की फ्लवन, फ है, आधा फ है ना, प है आधा, फेन ल वन विधि, यही ना है। ऐसे कल तो इंग्लिश बोले थे फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, इस तो कल बोल दिए थे फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। इसमें याद रखना है कि सिर्फ किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण कर सकता है, सल्फाइड अयस्क, ये सिर्फ सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए इस्तेमाल होता है, अभी तो सिर्फ सांद्रण हुआ है। फेन प्लवन के बाद ग्रेविटी सेपरेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं गुरुत्व पृथक, कैसे लिखा था, प्री पूरा था, आधा क, फिर पूरा क, आरन पृथककरण, वैसे अच्छा लगता है ग्रेविटी सेपरेशन, जी आर ए वी आई टी वाई, ग्रेविटी, हाँ ग्रेविटेशनल भी कह सकते हैं, इसी को ग्रेविटी सेपरेशन भी कहते हैं, ग्रेविटेशनल सेपरेशन या ग्रेविटी सेपरेशन। इसको भी पहले समझाइए देते हैं फिर लिखा देंगे। मान लेते हैं कि
मतलब इस तरह से नली होता है या नाला होता है, जो भी बोलो, बहता हुआ पानी होता है, इसमें पानी बह रहा है और अच्छा थोड़ा गड्ढा रहता है, ऐसे नहीं कि ऐसा ही है, ऐसे दिखाई भले दे रहा है कि हाँ भाई बोर्ड पे ऐसे बना है, अब पानी बह रहा है, पानी बहते ही अच्छा खासा गड्ढा होता है, या थोड़ा हाइट पे बनाते हैं, इसे पानी बह रहा है मान लेते हैं, इसे पानी बहता हुआ, अब बहते हुए पानी में कंकड़ नहीं मारना है, ठीक है, बहते हुए पानी में कंकड़ नहीं मारना है, करना कोजी है ना कि फिर यहाँ पे वैसे ही, फिर यहाँ पे वही काम करना है कि ऊपर से गिराना है, ऊपर से गिराना कोजी है, पाउडर ऊपर से गिराना है, किसका पाउडर, अरे जाहिर सी बात है कि पाउडर ऑफ ओर्स, मतलब अयस्को का, अयस्को, सॉरी गलती हो गया, हाँ अयस्को का चूर्ण, अयस्को का या अयस्को का पाउडर यहाँ से गिराते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान देना है, जैसे अभी फेन प्लवन विधि बोले तो फेन प्लवन विधि किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण करता है, सल्फाइड, सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए कौन सा विधि, अब फेन प्लवन विधि, फेन प्लवन विधि किसके लिए, सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क मतलब फेन प्लवन, फेन प्लवन मैंने सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क मैंने फेन प्लवन, मैंने एकदम पूरा रटल होना चाहिए कि फेन प्लवन विधि हमेशा किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, सल्फाइड, तो वैसे ही ई वाला विधि किसके लिए इस्तेमाल किया जाता होगा, ई वैसे अयस्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो भारी होता है, जो भारी होता है, बोली चाली में हम लोग यही बोलते हैं जो भारी होता है, लेकिन फिजिक्स के भाषा में बोला जाता है कि जिसका घनत्व, घनत्व अधिक होता है, फिजिक्स के भाषा में कहा जाता है जिसका घनत्व अधिक होता है, वैसा अयस्क जिसका घनत्व अधिक होता है, किससे अधिक होता है, हमसे तुमसे किससे, पानी के घनत्व से, पानी के जिसका घनत्व, मतलब वैसा अयस्क जिसका घनत्व पानी के घनत्व से या बहुत अधिक है, पानी के घनत्व से बहुत अधिक है, अब पानी के घनत्व से बहुत अधिक है तो जाहिर सी बात है कि वो नीचे बैठ जाएगा, पानी में डूब जाएगा, नौमा में पढ़ना है कि जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो तैरता नीचे बैठ जाता है, तो जिसका घनत्व अधिक होगा, जिसका घनत्व वो नीचे बैठ जाएगा, वो नीचे तो कौन बैठेगा, अरे अयस्क, अयस्क हम वैसे अयस्क को ही चुनते हैं जिसका घनत्व पानी के घनत्व से बहुत अधिक होता है, और जो चुंबक उम्बक में भी नहीं सटता है, जैसे चुंबक में सटता तो वो वाला सेपरेशन कर लेते हैं, कौन वाला, चुंबकीय पृथक्करण, वो भी बताएंगे, लेकिन कुछ वैसा नहीं है इसके जो चुंबक में भी नहीं सटता है और सल्फाइड अयस्क भी नहीं है, तो सोचना है कि उसका घनत्व पानी से भारी है कि नहीं है, अब जैसे कोई कहेगा कि अगर पानी से भारी नहीं घनत्व है तब सर, अगर पानी से भारी है ये नहीं, बहुत हल्का है, पानियों से हल्का है, तो बहुत हल्का है तो आसानी से उसको ऐसे ऐसे फटक के साफ कर लें, उड़िया जाएगा, या उसमें भी यही विधि अप्लाई कीजिए, मान लो कि कोई वैसा अयस्क है जिसका घनत्व बहुत हल्का है, पानी से भी हल्का है, तो बह के निकल जाएगा, वो बह के निकल जाएगा, वो कभी डूबे नहीं करेगा, तो और अच्छा बात है, तब तो कभी डूबे नहीं करेगा, लेकिन धूल कण थोड़ा सा आगे बढ़ने पे गीला हो जाएगा, धूरी कण गीला होकर नीचे, अरे जिसका घनत्व कम होता है वो कभी भी पानी में, नौमा पढ़ाए हैं सब भूल गए, जिसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है वो कभी भी नहीं डूबेगा, हमेशा पानी की सतह के ऊपर, तो दोनों में ही फायदा होता है, अगर किसी का घनत्व बहुत कम है तब तो एकदम नहीं डूबेगा, और अगर घनत्व बहुत ज़्यादा है तब तो तुरंत डूब जाएगा, धूल कण को तो टाइम लगेगा ना, हो सकता है धूरी कण बहते हुए थोड़ा सा आगे जाए, जब तक धूरी कण आगे जाएगा तब तक जो अधिक घनत्व वाला है वो नीचे बैठ जाएगा, अब नीचे बैठ जाएगा बाद में सब पानी हटा दो और नीचे मिल गया कुछ अयस्क, हटा लो अयस्क, अब ऐसा का अयस्क है जिसमें धूल गर्दा नहीं है, तो हो गया, यही तो करना है, करना क्या है, तो फिर से याद रखना है कि जैसे फेन प्लवन विधि किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रण करता है, सल्फाइड अयस्क, वैसे ही गुरुत्वीय पृथक्करण किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रण करता है, तो वैसे अयस्कों के सांद्रण करता है जिसका घनत्व पानी के घनत्व से बहुत अधिक होता है, जब हम अयस्क के पाउडर को बहते हुए पानी में डालते हैं तो अयस्क का घनत्व अधिक होता है जिसके वजह से ये नीचे बैठ जाता है, जबकि धूल गंदगी उतना आसानी से भीगता नहीं है और आगे जाकर भींग कर बैठता, आगे चला जाता है या बह कर आगे चला जाता है,
जबकि अयस्क का घनत्व अधिक होने के कारण ही वहीं पर बैठ जाता है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि गुरुत्वीय पृथक्करण किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रण करता है। तो गुरुत्वीय पृथक्करण उस वैसे अयस्कों का सांद्रण करता है जिसका घनत्व पानी के घनत्व से बहुत अधिक है। इस विधि में हम अयस्क के पाउडर को बहते हुए पानी में डालते हैं और अयस्क का घनत्व अधिक होने के कारण यह तुरंत नीचे बैठ जाता है, जबकि धूल गंदगी आगे बढ़ जाता है। इस तरह से जो नीचे बैठ गया है वहाँ से अयस्क को हम बाद में हटा लेते हैं और शुद्ध अयस्क प्राप्त हो जाता है। अभी सिर्फ समझाएं, लिखो, यही चीज़ लिखा देते हैं फिर से। इस विधि मतलब गुरुत्वीय पृथक्करण में, इस विधि में या इस विधि से, कौन से विधि से? गुरुत्वीय पृथक्करण, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से अधिक घनत्व वाले अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से समय डायग्राम नहीं बनाते हो, फेन प्लवन विधि के फिगर कहाँ है? है ना किताब तू सबके पास है किताब? हाँ तो बना लेना। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से अधिक घनत्व वाले अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। अधिक घनत्व वाले अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। इस विधि में हट जाते हैं, इस विधि में अयस्क को महीन पीसकर, पाउडर बना लिया जाता है या चूर्ण कह सकते हैं। इस विधि में अयस्क को महीन पीसकर चूर्ण बना लिया जाता है या पाउडर बना लिया जाता है। और इस पाउडर को या इस चूर्ण को, बहते हुए पानी की धारा में प्रवाहित किया जाता है। इस पाउडर को बहते हुए पानी की धारा में प्रवाहित किया जाता है। अयस्क का घनत्व अयस्क का घनत्व पानी के घनत्व से बहुत अधिक होने के कारण यह नीचे बैठ जाता है। कौन नीचे बैठ जाता है याद रखना, अयस्क यह नीचे बैठ जाता है, जबकि धूल गंदगी, या तो ब्रैकेट में घेर के गैंग लिख दो डायरेक्ट, जबकि धूल गंदगी या तो गैंग डायरेक्ट एकदम, गैंग किसे कहते हैं? भौतिकी अशुद्धियाँ, अयस्क में पाए जाने वाली भौतिकी अशुद्धियाँ को गैंग कहते हैं। भौतिकी अशुद्धियाँ बोले या तो डायरेक्टे हम गैंग बोलते हैं। इस अयस्क का घनत्व पानी के घनत्व से बहुत अधिक होने के कारण यह नीचे बैठ जाता है, जबकि धूल गंदगी या तो कहो गैंग, जबकि धूल गंदगी आगे बढ़ जाता है। ऐसा नहीं कि वो नीचे नहीं बैठता होगा, बैठता होगा लेकिन आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ गया वहाँ जाके भींग कर कहीं बैठा। इस प्रकार आगे बढ़ जाता है मतलब पानी की धारा के साथ।
जैसे पानी की धारा बह रहा है उसके साथ साथ धूल गंदगी भी आगे बह गया। इस प्रकार हमें सांद्रित अयस्क प्राप्त होता है। लिखा गया फिर से एक बार, फेन प्लवन विधि में किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण किया जाता है? तो सल्फाइड अयस्क। जबकि गुरुत्वीय पृथक्करण में किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण किया जाता है? तो वैसे अयस्कों का सांद्रण किया जाता है जिसका घनत्व पानी के घनत्व से बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसका घनत्व पानी के घनत्व से बहुत अधिक है और यह पानी में भींग कर नीचे बैठ जाएगा, जबकि धूल गंदगी पानी के धारा के साथ बहकर आगे चला जाता, कहीं बैठेगा आगे चला जाता। इस प्रकार हमें सांद्रित अयस्क प्राप्त हो जाएगा। दो पृथक्करण हो गया। तीसरा विधि चुंबकीय पृथक्करण, उसको भी देख लेते हैं। आने वाला डायग्राम किताब में होगा, ठीक है। NCERT NCERT सब किताब में है, नहीं है तो ऐसे ही बना लो, अपने से संभल के, अपने से समझ के संभल के बना लीजिए। अब आता है चुंबकीय पृथक्करण। चुंबकीय हर्षीकार या दुर्गीकार? बड़ी चुंबकीय पृथक, चुंबकीय पृथक्करण इंग्लिश में अगर कहें तो मैग्नेटिक सेपरेशन। चुंबकीय पृथक्करण पे ओर्स हो गया, ORC ओर्स, और वो भी ध्यान देना कि कैसन का ओर्स, जो धात्विक होगा यहाँ से बहते 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 अपने, इतना काफ़ी है सिर्फ समझाने के लिए। होता कि है ना कि यहाँ पर मान लेते हैं चुंबक का इस्तेमाल कर लिए, ये चुंबकीय ध्रुव है या बोलो चुंबकीय एक्सिस है, चुंबकीय एक्सिस है, चुंबकीय ध्रुव है, जो भी बोलो, यहाँ चुंबक है और यहाँ से हम ओर्स को डालते हैं, वैसा ओर्स जो चुंबकीय है, जो चुंबकीय पदार्थ है, जैसे लोहा होगा, टीन होगा, निकेल होगा, कोबाल्ट होगा, मतलब जो चुंबक में सट सकता है उसको पीस के हमेशा की तरह वैसे ही हम पाउडर बना लिए और ऊपर से पाउडर को गिरा रहे हैं धीरे धीरे झरझर। अब अगर ये संवाहक बेल्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं संवाहक बेल्ट, इंग्लिश में बोलते हैं कन्वे बेल्ट, हिंदी में इसको बोलते हैं संवाहक, और बेल्ट को हिंदी में बोलते हैं पट्टी, संवाहक पट्टी चलते रहता है। अब संवाहक पट्टी जैसे जैसे चलेगा उसके साथ साथ पिसा हुआ पाउडर भी जाएगा। पाउडर में ध्यान देना कि दो चीज़ है, एक तो ओर्स भी है, और सिर्फ ओर्स ही थोड़ो है, ओर्स के साथ साथ कुछ ही है गैंग भी। अब गैंग जो है वो चुंबक में तो नहीं है सटेगा, तो गैंग दूर फेंका जाएगा, चलते 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 यहाँ फेंका गया कौन, गैंग। और जो चुंबकीय पदार्थ है जैसे लोहा वोहा के जो चूर्ण है, जो पाउडर है, वो इसमें सटेगा, इसमें सटना चाहेगा और सट के यहाँ पे आके, तो यहाँ पर आकर गिरेगा प्योर ओर्स, इसी को हिंदी में बोलते हैं अयस्क। इस तरह से धूल गंदगी अलग हो गया और कहो कि ओर्स अलग हो गया।
और इधर चुंबक के इस्तेमाल करेंगे तो कुछ इधरे रह जाएगा, कुछ बढ़ के आगे चल जाएगा, या फिर उधरे चुंबक के इस्तेमाल करेंगे तो उधरे अलग होगा। यहाँ मान लो चुंबक के इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप दोनों सिरा पे चुंबक का इस्तेमाल कीजिए या सिर्फ एक ही सिरा पे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझा ही दिए फिर से, इसमें होता ही है ना कि अयस्क के पाउडर को आप कन्वे बेल्ट पर गिराइए, मतलब संवाहक पट्टी पर। जैसे ही संवाहक पट्टी, संवाहक पट्टी कैसा होता है तो गेहूँ पीसे तो देखे हो, कुटी उटी कटे तो देखो बेल्ट रहता है पूरा चमड़ा के एकदम, वैसा ही है चौड़ा से बेल्ट है, इसके ऊपर गिराना है और ई पट्टी के साथ साथ इसके ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है रोड रोलर में, वो क्या बोलते हैं, अरे यार जे आर्मिया आर्मिया में टैंकवा रहता है एकदम चैनवा मोटा मोटा, चैन जैसन जा रहा है, चैन जैसन जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और वहाँ जाके गिर जाएगा धूल गंदगी आगे, यानी गैंग आगे गिरेगा। और जो इस चुंबक में चिपक सकता था वो गिरता नहीं है, वो इसके साथ साथ लटपटाल झटपटाल यहाँ आके गिरेगा और यहाँ हमको मिलेगा अयस्क। यहाँ कैसा अयस्क मिलेगा, सांद्रित अयस्क, हाँ शुद्ध अयस्क भी कह सकते हैं, शुद्ध अयस्क है, शुद्ध धातु नहीं बोल रहे हैं हम, शुद्ध अयस्क बोल रहे हैं अभी। और उधर अलग हो गया कौन, गैंग। लिखो अब यही चीज़ अगर लिखोगे तो, ठीक है, सबसे पहले तो लिखेंगे कि चुंबकीय पृथक्करण में, चुंबकीय पृथक्करण में, चुंबकीय पृथक्करण में चुंबकीय पदार्थों, जैसे लोहा निकेल टीन इत्यादि, चुंबकीय पृथक्करण में चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय पदार्थों का नहीं के चुंबकीय पदार्थों के चुंबकीय पदार्थों के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। हम फिर से रिपीट करते हैं, चुंबकीय पृथक्करण में यही बोले हैं, चुंबकीय पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण में चुंबकीय पदार्थों के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। चुंबकीय पदार्थ मतलब जो कि चुंबक में सट सके, चुंबक में सट जाए। चुंबकीय पृथक्करण में चुंबकीय पदार्थों के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। इस विधि में, इस विधि में कोई हमेशा की तरह पीस के पाउडर बनाना है, इस विधि में अयस्क को पीस कर पाउडर बना लिया जाता है। इस विधि में अयस्क को पीस कर पाउडर बना लिया जाता है और उस पाउडर को या चूर्ण को, उस पाउडर को या उस चूर्ण को संवाहक पट्टे या संवाहक पट्टी, जो भी बोलो, संवाहक पट्टे या संवाहक पट्टी, संवाहक के मतलब ये हो गया कि वो पट्टी चल रहा है, घूम रहा है, संवाहक पट्टी पर गिराया जाता है, संवाहक पट्टी पर गिराया जाता है। उस संवाहक पट्टी के एक ओर, एक ही ओर लगाते हैं, दोनों ओर का है बोलते भाई, उस संवाहक पट्टी के एक ओर एक ओर चुंबक लगा रहता है, या चुंबकीय ध्रुव का चुंबक लगा रहता है, यही बोलो ना, एक ओर चुंबक लगा रहता है, एक ओर चुंबक लगा रहता है, एक ओर चुंबक लगा रहता है, जिससे कि चुंबकीय पदार्थ का अयस्क
जिससे कि चुंबकीय पदार्थ का अयस्क उस चुंबक के नज़दीक गिरता है, या कहो कि संवाहक पट्टी के नज़दीक गिरता है, जिससे कि चुंबकीय पदार्थ का अयस्क उस चुंबक के नज़दीक गिरता है, या फिर कहिए कि चुंबकीय पदार्थ का अयस्क चुंबक के नज़दीक गिरता है, जबकि गैंग दूर जाकर गिरता है। इस प्रकार हमें सांद्रित अयस्क प्राप्त हो जाता है। या सांद्रित अयस्क प्राप्त होता है। हो गया। एक और सेपरेशन है, उसको बोलते हैं रासायनिक पृथक्करण, या हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश में तो लीचिंग बोलते हैं, निक्षालन विधि। तो इसको भी बोल देते हैं, ऐसे ही लिख लो, निक्षालन विधि। निक्षालन विधि केमिकल सेपरेशन या लीचिंग बोलते हैं। इस विधि में अयस्क को महीन पीसकर पाउडर बना लिया जाता है। वो तो सब में करना है, सांद्रण के लिए फिक्स है कि आपको पाउडर में तो कन्वर्ट करना ही होगा, चूर्ण बनाना ही होगा। इस विधि में अयस्क को पीसकर पाउडर बना लिया जाता है, और उस पाउडर को, यानी हिंदी में चूर्ण बोलते हैं, उस चूर्ण को उपयुक्त विलायक में डाल दिया जाता है। उपयुक्त विलायक मतलब जिसमें घुल सके, उपयुक्त विलायक में डाल दिया जाता है। इस विधि में अयस्क को पीसकर पाउडर बना लिया जाता है, और उस पाउडर को उपयुक्त विलायक यानी कि सॉल्वेंट उपयुक्त विलायक में डाल दिया जाता है, जिससे शुद्ध अयस्क इसमें घुल जाता है जिससे शुद्ध अयस्क इसमें घुल जाता है और अशुद्धियाँ नहीं घुलती है और बाद में अशुद्धियों को छानकर अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार हमें सांद्रित अयस्क प्राप्त हो जाता है। फिर से बोले, इस विधि में अयस्क को पीसकर पाउडर बना लिया जाता है, यानी चूर्ण, और उस चूर्ण को एक उपयुक्त विलायक, मतलब एक ऐसा सॉल्वेंट जिसमें कि आसानी से घुल जाए, लेकिन सिर्फ कौन, अयस्क, अब बाकी अशुद्धियाँ नहीं घुले, उस चूर्ण को एक उपयुक्त विलायक में डाल दिया जाता है, और उस विलायक में अयस्क घुल जाता है। हाँ, अयस्क घुल जाता है, लेकिन अशुद्धियाँ नहीं घुलती है, और बाद में उन अशुद्धियों को छानकर अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार हमें सांद्रित अयस्क प्राप्त हो जाता है। तो अभी तक तो सिर्फ सांद्रण हुआ, कल सांद्रित अयस्क से धातु ऑक्साइड बदलेंगे। और ऐसे सब में लिखा दिए होंगे किसके लिए, अच्छा दिखाना कोई जरूरी नहीं है, एक मिनट।
कल हम दो चीज़ बोले थे ना, एक भर्जन और निस्तापन, निस्तापन बोले थे कुछ, याद है भर्जन क्या है? ऐसे ही बोले होंगे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो हिंदी में तो हमको भी नहीं आता, रोस्टिंग में आर ओ, रोस्टिंग में आर ओ आता है ना, तो ओ माने ऑक्सीजन, यानी रोस्टिंग होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में और कैल्सिनेशन होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। अच्छा, इसको कल बता देंगे, आज बताएंगे तो बस हो जाएगा।